नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और ब्लेस टीवी में आप सभी का स्वागत है। ओमकारेश्वर मंदिर एक हिंदू मंदिर है। ये मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। ये नर्मदा नदी के बीच मंधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर में शिव भक्त कुबेर ने तपस्या की थी तथा शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे शिव ने देवताओं का धनपति बनाया था। कुबेर के स्नान के लिए शिवजी ने अपनी जटा के बाल से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। यह नदी कुबेर मंदिर के बाजू से बहकर नर्मदा जी से मिलती है, जिसे छोटी परिक्रमा में जाने वाले भक्तों ने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखा है। यही कावेरी ओमकार पर्वत का चक्कर लगाते हुए संगम पर वापस नर्मदा जी से मिलती है। इसे ही नर्मदा कावेरी का संगम कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह तट ओम के आकार का है। यहाँ प्रतिदिन अहिल्या भाई होलकर की तरफ से मिट्टी से निर्मित 18 शिवलिंग तैयार करके नर्मदा नदी में विसर्जित किए गए हैं। मंदिर की इमारत 5 मंजिला है। ये ज्योतिर्लिंग पंचमुखी है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करके यहाँ विश्राम करते हैं। यहाँ के ज्यादातर मंदिरों का निर्माण पेशवा राजाओं द्वारा ही कराया गया था। ऐसा बताया जाता है कि भगवान ओमकारेश्वर का मंदिर भी उन्हीं पेशवाओं द्वारा ही बनवाया गया था। इस मंदिर में 2 कमरों के बीच से होकर जाना पड़ता है। चूँकि भीतर अंधेरा रहता है, इसलिए वहाँ हमेशा दीपक जलाया जाता है। सावन के महीने में इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है, जिस कारण सावन के महीने में यहाँ बड़ी संख्या में शिव भक्त आते हैं। ऐसे ही और मंदिरों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए ब्लेस टीवी।